सो हे गाइस, मैजिकल वर्ल्ड सीरीज की एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बाईची के साथ किनमिंग भी पानी में ही डूब रहा था, जहां पर वो पानी में डूबते डूबते कुछ विजन्स को याद करने लगता है और वो देखता है अपने ही फादर को, क्योंकि उसके डैड भी एक इम्पीरियल गार्ड होते हैं। किनमिंग अपने फादर के पीछे चिल्लाते हुए जा रहा था और उनसे कहता है कि प्लीज डैड, आपको चलकर मॉम को बचाना चाहिए। इम्पीरियल सैनिक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है लोगों को बचाना। रुक जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मुसीबत के समय में एक इंपीरियल गार्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर बाकी लोगों को बचाएगा, और ये वो शर्त है जो कि उसने इंपीरियल गार्ड बनने से पहले किनमिंग की माँ के सामने रखी थी। वो कहते हैं कि इस परिस्थिति के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, इसीलिए मैं किसी भी हाल में अपने फर्ज को नहीं छोड़ पाऊंगा। किनमिंग भले ही चिल्लाते हुए अपने डैड के पीछे जाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, इसीलिए किनमिंग ने इंपीरियल गार्ड और अपने डैड से नफरत करना शुरू कर दिया था। अपनी यादों के बीच में वो दोनों ही खोते जा रहे थे, लेकिन फिर तभी अचानक से ये इल्यूजन से ब्रेक होने लगते हैं, जिससे कि इल्यूजन से बनी दुनिया पूरी तरीके से ही खत्म होते जा रही थी। और जो किनमिंग और बाईची दोनों अपने यादों में खोते जा रहे थे, वो लोग भी अब वहाँ से बाहर निकल ही आते हैं, और इस इल्यूजन को असल में ब्रेक कर दिया होता है जिंग यीफेई ने। किनमिंग और बाईची देखते हैं कि वो दोनों अभी भी उसी गैम्बलिंग हाउस के अंदर ही है, जहाँ पर सिक्स्थ प्रिंस ने इन दोनों को इल्यूजन में फंसा दिया था। वो तो शुक्र है यीफेई का, जो कि उसने यहाँ पर आकर इन दोनों को ही बचा लिया। तभी वो कहने लगती है कि सिक्स यंग मास्टर, मैंने आपको अलाउ किया था केवल एक गैम्बलिंग हाउस को ओपन करने के लिए, लेकिन मैंने आपसे ये कभी भी नहीं कहा था कि आप अपने इल्यूजंस की मदद से किसी की जान ले लो। मुझे बताओ क्या कर तुम इन लोगों के साथ में ये क्या करना चाहते थे। तो सिक्स्थ यंग मास्टर कहता है कि यीफेई जी, आप तो कुछ ज्यादा ही भड़क गए, मैं तो केवल उन बुरे लोगों को सजा दे रहा था जिन्होंने मेरे नियमों को तोड़ने की कोशिश की थी। यीफेई कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन अब इन दोनों को ही जाने दो, क्योंकि मुझे अभी हाल फिलहाल में तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। सिक्स्थ यंग मास्टर कहता है कि यीफेई जी, आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद फिर वो किनमिंग और बाईची के साथ साथ अपने भी सभी साथियों को बाहर भेज देता है, जहाँ से बाहर निकलते हुए किनमिंग कह रहा था कि मैं एक दिन इस गैम्बलिंग हाउस में आग लगा दूंगा। बाईची कहता है कि चलो भूल भी जाओ, इसमें हमारी ही तो गलती है, हम लोगों को इस गैम्बलिंग हाउस के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। किनमिंग बाईची से कहता है कि अगर तुम उस हरामी की औलाद को डिफेंड क्यों कर रहे हो। बाईची कहता है कि चलो छोड़ो, लेकिन हमारी जो शर्त थी उसको तुम जीत गए हो, इसी वजह से अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। और वैसे भी अगर बात की जाए इंपीरियल गार्ड के रास्ते पर जाने की, तो वो भी आसान नहीं है, और मैं तुम्हें वहाँ पर जबरदस्ती तो ले जाना नहीं चाहता। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे किसी भी हाल में बनना है एक इंपीरियल गार्ड। तुम चाहे इसमें मेरी हेल्प करो या ना करो, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम को तो दूंगा ही, क्योंकि मेरे होते हुए मैं नहीं चाहता कि किसी को भी चोट पहुँचे। जो डायलॉग सुनकर वैसे तो किनमिंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने लगता है बाईची के बारे में। ये बंदा तो देखने में भी काफी ज्यादा कमजोर है, फिर ये अपने इतने कमजोर स्टेमिना के साथ में उस बैटल को कैसे जीत पाएगा। एग्जाम तो छोड़ो, मुझे तो ये लगता है कि ये किसी रेस को भी नहीं जीत पाएगा। इसीलिए जब बाईची यहाँ से जा रहा था, तो किनमिंग उसको रोकता है और उससे कहता है, वैसे देखो मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं था, लेकिन फिर भी आज तुम हिम्मत दिखाते हुए मेरी जान बचाने के लिए आ गए, इसीलिए अब इंपीरियल गार्ड बनने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, और फिर तुम इसमें चाहे पास हो या ना हो ये तुम्हारी किस्मत पे निर्भर करता है। इसकी बात को सुनकर बाईची काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद अब अगले ही सीन में दिखाया जाता है सिक्स्थ यंग मास्टर को, जो कि यीफेई से ये कह रहा था कि यानी कि आप यहाँ पर आई हो उस थंडर फायर केस को लेकर, जो कि आज से कुछ दिनों पहले हुआ था। यीफेई कहती है कि शायद इसके बारे में तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही जानते हो। यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो मैंने किया था। यीफेई बताती है कि उस घटना के दौरान जो माउस फेस वाले घोस्ट सोल्जर्स आए थे, वो उस लाइटनिंग स्ट्राइक के जैसे ही बहुत ही ज्यादा अजीब थे, और ऐसा कोई रियलिटी में होता होगा मुझे तो यकीन भी नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक टॉप लेवल के इल्यूजन बनाने वाले मास्टर हो। यंग मास्टर कहता है कि हाँ मैं इल्यूजन को बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे अपने टूल्स और इंसेंस की जरूरत होती है, इसको मैं अपने द्वारा चूज की गई एक स्पेशल जगह पे ही बना सकता हूँ। आप खुद ही सोचिए कि लोगों को हिप्नोटाइज करना और उन्हें हेलुसिनेट करना, इसके लिए इन दोनों लड़कों को पहले मेरे इल्यूजन के अंदर आना पड़ा था, और मैंने जो उसको अपने व्हील के ऊपर टच करने को कहा था, उसी की मदद से मैं उसको हिप्नोटाइज और हेलुसिनेट कर पाया। लेकिन अगर उस घटना की बात की जाए तो वहाँ पर ऑलरेडी आग जल रही थी, जिसको देखने वाले ऑलरेडी काफी सारे लोग मौजूद भी है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ ही हिप्नोटाइज कर पाऊंगा। आप खुद ही सोचिए कि इल्यूजन के द्वारा बनाई गई चीजें आकर रियल वर्ल्ड को कैसे इफेक्ट कर सकती है। आपको भी ये पता है कि वो असली लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी और वहाँ पर असली तबाही मची थी, और इल्यूजन के द्वारा ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से यीफेई का जो उसके ऊपर शक होता है वो अब काफी कम हो गया था। यीफेई ये बताती है कि मुझे एक शराबी ने बताया कि एक घोस्ट सोल्जर ने उसके शराब का पीपा नीचे गिरा दिया था। मास्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, जिसका मतलब यही है कि वहाँ पर कोई भी इल्यूजन नहीं था। ये खबर पता लगने के बाद यीफेई उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद अब वो यहाँ से चली जाती है। सिक्स्थ यंग मास्टर सोचता है कि चलो कम से कम इंपीरियल गार्ड्स को मुझ पर शक तो नहीं होगा। इसके बाद अब हमें उस जगह को दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पर इंपीरियल गार्ड्स के ज्वाइनिंग का एग्जाम होने वाला था और वाकई में यहाँ पर काफी सारे नए लोग आए होते हैं। जहाँ पर किन मेंग माइची से कहता है कि तुम जिस इंपीरियल गार्ड बनने का इंतजार कर रहे हो मेरे लिए तो वो कोई मायने भी नहीं रखते। माइची बताता है कि इंपीरियल गार्ड्स के 5 डिपार्टमेंट है जिनमें से जो आर्मी शीशैन है वो इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को। अगली आती है रोबोट शीशैन पपेट इसके बाद पे नाम आता है हिडन शीशुन अंडर वाटर होमवर्क का और अगली जो शीशोन है वो है फायर के मास्टर्स जिसके अगला जो डिपार्टमेंट आता है वो सभी पर नजर रखता है। इसी वजह से इन पांचों ही डिपार्टमेंट में बहुत ही गजब गजब के टैलेंट्स हैं इसीलिए हो सके तो तुम उनकी ताकत को कम मत समझो। यहाँ पर फिर तभी आ जाते हैं मास्टर शॉन्ग फैंग और वो कहते हैं कि क्या वो सभी लोग आ चुके हैं जिन्होंने इंपीरियल गार्ड बनने के लिए अप्लाई किया था। मैं हूँ तुम सभी का जज शॉन्ग फैंग। कुछ बंदे बात करने लगते हैं कि क्या यही है मास्टर शॉन्ग फैंग की मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के मोस्ट फेमस बंदे है इसीलिए सभी को लगता है कि ये एग्जाम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। शॉन्ग फैंग बताते हैं कि इंपीरियल गार्ड्स की टीम में कई तरीके के लोगों को जमा किया गया है इसीलिए तुम लोगों को टोटल 3 टेस्ट को देना होगा। सबसे पहले तुम लोगों का फिजिकल एग्जाम किया जाएगा ताकि तुम लोगों की बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मापा जा सके और अगला जो होगा वो होगा लिटरेचर एग्जाम जहां पर तुम सभी के मोरल और नॉलेज का पता लगाया जाएगा और आखिरकार सबसे लास्ट में टेस्ट किया जाएगा तुम सभी के कुंग फू का और तुम में से जो भी कंटेस्टेंट इन तीनों ही एग्जाम को पार कर जाएगा वो डेफिनेटली बन सकता है एक इंपीरियल गार्ड। सभी लोगों को तो यही लग रहा था कि इस बार के एग्जाम में उनकी हालत खराब होने वाली है। शॉन्ग फैंग कहते हैं कि आज तुम सभी का पहला दिन है और वक्त हो गया है फिजिकल एग्जाम को देने का जिसके लिए तुम सभी को यहाँ से एक एक पानी की बाल्टी ले जानी होगी और रात होने से पहले पहुँचना होगा म्यूंजू टेम्पल पर। रास्ते में अगर आधा पानी भी खत्म हो जाता है तब भी तुम्हें पास कर दिया जाएगा लेकिन ये एग्जाम सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। सभी लोगों को एक एक करके उनकी बाल्टियां दे दी जाती है इसके बाद फिर दरवाजे को खोलकर निकाल दिया जाता है म्यूंजू टेम्पल की तरफ। स्टार्टिंग में सारे के सारे बंदे काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते जा रहे थे जिनके साथ साथ किनमिंग भी काफी तेजी के साथ में बढ़ रहा था लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है बाईची के ऊपर जो कि इस काम को करने में काफी ज्यादा सुस्त होता है इसीलिए किनमिंग उसे पूछता है कि क्या तुम ये कर भी पाओगे लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है जो कि बाईची को धक्का दे देता है क्योंकि असल में यहाँ पर आ चुका होता है एक मिस्टर शू नाम का बंदा जो कि इन लोगों से आगे निकल जाता है और कहता है कि चलो भी अब ये एक एग्जाम ही तो है लेकिन किनमिंग को उसका एटीट्यूड देखकर गुस्सा आ गया था इसीलिए वो कहता है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को धक्का देने की लेकिन मिस्टर शू तो अपने घमंड में चूर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है इसीलिए वो कहता है कि तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है कि तुम मेरे जूतों को भी हाथ लगाओ। यहाँ तक कि उसके साथी भी किनमिंग का मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे। बाईची किनमिंग को रोक लेता है और उससे कहता है कि ये बेवकूफ है उन्हें आगे जाने दो अभी सबसे पहले हम लोगों को ये एग्जाम क्लियर करना होगा जिसकी वजह से बाईची उसकी बात को मान जाता है। कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम जैसे स्कॉलर के लिए ये काम करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा लेकिन क्या तुम्हारे पास में इन सारी चीजों से निपटने के लिए कोई दूसरा प्लान भी है। बाईची कहता है कि हाँ अब मैं वो करूंगा जो कि इंपीरियल गार्ड्स करते हैं। इसके बाद फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ में जा रहा था लेकिन बीच रास्ते में उसके बहुत ही खतरनाक कांटे लगते हैं और उसकी बाल्टी गिर जाती है। जब बाईची और किनमिंग दोनों ही पहुंच गए थे तो किनमिंग यहाँ पर बेलों का यूज करते हुए अपने पैरों को बांध लेता है ताकि ये जो कांटे हैं वो उनके पैरों में ना लगे। कांटों से बचने के साथ साथ वो लोग माउंटेन्स में भी काफी आसानी के साथ में चल पाएंगे और वाकई में ये आइडिया बहुत ही कारगर साबित भी हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये रास्ता और भी ज्यादा कठिन होने लगता है कि लोगों के बीच में एक टूटे हुए पुल को पार करना था जो कि नॉर्मल लोगों के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर तैरकर उस नदी को पार करने लगते हैं लेकिन बाईची किनमिंग को बताता है कि हमें तो तैरने की भी जरूरत नहीं है। वो लोग अपने पैरों में बैम्बूस को बांधकर बहुत ही आसानी के साथ में आगे बढ़ रहे थे जैसे कि ना तो किसी पुल की समस्या होती है और ना ही तैरने की। तभी आगे बढ़ते हुए उन लोगों के सामने और भी दूसरी चुनौतियां आ गई थी क्योंकि रास्ते में काफी बड़ी साइज की लकड़ियों को नीचे गिराया जा रहा था जिससे कुछ लोग तो बच रहे थे लेकिन सभी लोगों के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अगर तुम एक से बचोगे तो दूसरा ऑलरेडी तुम पर हमला करने के लिए रेडी होगा इसलिए यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाईची अपना दिमाग लगाते हुए बना लेता है एक वुडन शील्ड को जिसकी मदद से वो लोग बहुत ही आसानी के साथ में इन लकड़ियों के हमलों से बच जाते हैं। फिर हम वहीं पर छुपे हुए मिस्टर जू को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ में एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए बाहर निकल रहा था। उसके साथी कहते हैं कि सर आप तो वाकई में बहुत ही कमाल के बंदे हो आपको पहले से ही पता था यहाँ के शॉर्टकट के बारे में। मिस्टर जू कहता है कि चिंता मत करो मेरे पास में इस एग्जाम के सारे शॉर्टकट्स मौजूद है आज का जो टेस्ट है उसमें तो डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा तुम लोग भी चिंता मत करो बस मेरे लेवल पर आ जाओ सभी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन तभी वो लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर दो बंदे हमसे भी पहले आ गए हैं जो बात सुनकर मिस्टर जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये बंदे और कोई नहीं बल्कि असल में होते हैं किनमिंग और बाईची। मिस्टर जू कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि आकर ये लोग हमसे पहले यहाँ पर कैसे आ गए मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना होगा इन लोगों से छुटकारा पाने का इसीलिए वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करो मैं फर्स्ट रैंक पर नहीं आया तो तुम सभी को अच्छा सबक सिखाऊंगा। किनमिंग कहता है कि
समझ नहीं आया, ये लोग तो हमसे आगे निकल गए थे, फिर आखिर हमसे पीछे कैसे हो सकते हैं। जे कहता है कि जरूर से ये लोग कोई ना कोई चालाकी दिखा रहे होंगे, इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ते हुए केयरफुल तो रहना ही होगा। जिसके बाद मिस्टर जू अपने साथियों के साथ में एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर हमें दिखाई देते हैं काफी समय पुराने रखे गए स्टैचूज। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में धुंध भी होती है, लेकिन मिस्टर जू इस जगह के बारे में ऑलरेडी जानता है। इसी वजह से चालाकी दिखाने के लिए अपने साथी से कहता है कि मुझे पानी की बोतल दो, लेकिन ये पानी की बोतल उसने पीने के लिए नहीं ली थी बल्कि वो उसको रख देता है एक छोटे से स्टोन स्टैचू के ऊपर। अपने साथियों से कहता है कि गलती से भी इसको उठाने की कोशिश मत करना, पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद फिर वो यहाँ से निकल जाता है एकदम सही रास्ते पर। और अब कुछ समय बाद यहाँ पर एंट्री होती है बाईजी और किनमिंग की, जिन लोगों को यहाँ की धुंध थोड़ी सी पॉइजनस लग रही थी, इसलिए ये दोनों ही अपनी नाक पर कपड़े को रखकर आ रहे थे। किनमिंग कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है अगर हमने इस फॉग को अंदर सांसों में ले लिया तो पता भी नहीं चलेगा कि आकर कब हमारी जान निकल गई, इसीलिए गलती से भी कोई गलती करने की कोशिश मत करना। बाईजी कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इस जगह को डिजाइन किया गया होगा इंपीरियल गार्ड एसोसिएशन के द्वारा, ताकि यहाँ पर आने वाले बंदे की एबिलिटीज को चेक किया जा सके। इसीलिए वो अनुमान लगाने लगता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। यहाँ पर तभी किनमिंग को वो पानी की बोतल नजर आती है, जिसको वो जैसे ही लेने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से ही उसने एक बहुत ही खतरनाक चीज के ऊपर पैर रख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ के जो डेडली स्टैचू होते हैं वो एक्टिवेट हो गए थे। क्योंकि फिर तभी उनमें से एक स्टैचू अपनी स्वॉर्ड के साथ में हमला करने के लिए आ रहा था किनमिंग के ऊपर। इसके हमले से किनमिंग बाईजी को तो बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टैचू नहीं होता बल्कि कई सारे होते हैं। किनमिंग कह रहा था कि ये तो केवल एक एग्जाम है, आकर ये लोग लोगों को कैसे मार सकते हैं। बाईजी कहता है कि इन्हें भी इंपीरियल गार्ड के डिपार्टमेंट के द्वारा ही बनाया गया होगा, कि आने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर फंसाने का काम करते हैं ताकि यहाँ से बाहर ना निकल सके और इस एग्जाम को हार जाएं। उसे कहता है कि आकर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से इसे बचने का मुझे कोई तरीका बताओ। बाईजी सोचता है कि ये जो पपेट्स हैं वो सारे के सारे मशीन्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए फाइव एलिमेंट्स के रूल के बारे में, इस फॉर्मेशन का जो सेंटर होगा वहाँ पर ये हमला नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चिल्लाते हुए किनमिंग से कहता है कि मेरी बात को सुनो। वो उसको सबसे पहले होने वाले हमलों से बचने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जैसे कि किनमिंग वाकई में बहुत ही आसानी के साथ में इन स्टैचूज के हमलों से बच रहा था। लेकिन जब सबसे लास्ट में दो स्टैचूज पर हमला करने वाले थे, बाईजी के कहने पर वो जंप लगाता है और उनके भी हमलों से बच जाता है। और अब किनमिंग फाइनली पहुंच गया होता है इस फॉर्मेशन के सेंटर में। अब जाकर ये सारे के सारे स्टैचू शांत हो जाते हैं और अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। किनमिंग कहता है कि इनकी वजह से मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरा दोबारा से मुकाबला इन्हीं के साथ में हो। बाईजी बताता है कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें उतनी ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा, इसीलिए किसी भी कंडीशन में जल्दी हाथ पैर चलाने की कोशिश मत करना। इसके बाद अब ये दोनों ही आगे बढ़ते हुए बातें करते जा रहे थे। किनमिंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक स्टोन का स्टैचू इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल आकर कैसे हो सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, वो जो घोस्ट सोल्जर्स थे वो भी कहीं इसी तरीके के कोई पैपेट तो नहीं थे? तो बाईजी उससे कहता है कि वैसे देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तो सबसे पहले हमें अपने एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग इंपीरियल गार्ड में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। हम काफी सारे बंदों को देखते हैं जो कि बेलों का यूज करते हुए एक खड़ी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर जू अपने साथियों को ऑलरेडी वार्निंग दे देता है कि कोई भी रॉक के ऊपर पैर रखने की कोशिश मत करना। तभी वहाँ पर उसकी नजर पड़ती है बाईजी और किनमिंग के ऊपर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आकर ये लोग वहाँ से बच के कैसे आ गए, लेकिन उसी मोमेंट पर एक बंदा गलती से पैर रख देता है एक रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से फिर तभी यहाँ पर पानी के अंदर छुपा हुआ एक बीस्ट बाहर आने लगा था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी क्रिएचर होता है, जिसका असल में नाम रखा गया है हीलुओ। ये भी असल में एक पैपेट ही होता है जिसको बनाया है हीलुओ यू ने। कहता है कि क्या वाकई में कोई इतने बड़े साइज का भी पैपेट हो सकता है, और इसको चलाने के लिए भी कितनी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता होगा। बाईजी बताता है कि हम लोग अभी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर एनर्जी का भरमार है। ये जो पैपेट है वो जरूर से काम करता होगा पावर ऑफ द विंड पर, क्योंकि अब ये पैपेट बहुत ही आसानी के साथ में लोगों को नीचे गिराते जा रहा था, जिसकी वजह से मिस्टर जू बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसके एक बंदे को पैपेट ने पकड़ लिया था, लेकिन मिस्टर जू अपने साथी को नहीं बचाता बल्कि आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये चीजें किनमिंग देख नहीं सकता था, इसीलिए वो कहता है हमें किसी भी हाल में उस बेचारे व्यक्ति की मदद करनी होगी। बाईजी बताता है कि ये जो पपेट है उसके सारे के सारे फंक्शंस काम कर रहे होंगे उसके हेड से, क्योंकि इससे असल में 10 बॉडीज कनेक्टेड है। अगर हमने इसके हेड को तोड़ दिया तो फिर ये काफी आसानी के साथ में रुक जाएगा। किनमिंग कहता है कि चिंता मत करो, इस बात का जिम्मा तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद फिर वो अपने पानी की बाल्टी को रख के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और एक नुकीली चट्टान को तोड़ देता है, जिसको लेकर अब वो बढ़ रहा था इतने ज्यादा विशालकाय पपेट का मुकाबला करने के लिए। किनमिंग बहुत ही आसानी के साथ में उसके टेंटिकल्स पर दौड़ते हुए उसके सिर की तरफ बढ़ रहा था। चीज देखकर आगे बढ़ रहे बंदे तो एकदम ही शौक हो जाते हैं कि कहीं ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, लेकिन किनमिंग बिना डरे सीधा पहुंच जाता है उसी पपेट के हेड
के ऊपर, जिसके हेड को उसने न्यूक्लियर रॉक की मदद से चीर दिया था। जब वो अंदर देखता है तो वाकई में यहाँ पर बहुत ही बड़ा फंक्शन बनाया गया था। विभाई जी उसे चलाते हुए कहता है कि उसको देखना बंद करो और जल्दी से खत्म कर दो, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो पपेट काफी सारे बंदों को नीचे गिरा चुका था। मिंग सोचने लगता है कि आकर वो कैसे पता लगाएगा कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है। इसके लिए उसको ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढना होगा ताकि ये पपेट स्टॉप हो जाए। देखता है कि इसके मैकेनिज्म में जो मिडल वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर किनमिंग ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो वाकई में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, चलना बंद कर देगा और पूरी तरीके से कोलैप्स भी हो जाएगा। जैसे ही किनमिंग को वो पॉइंट मिला था वो उस पर रॉक फेंकने वाला था, लेकिन तभी अचानक से ये पपेट किनमिंग को दूर फेंक देता है। इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।